नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिलायंस जियो की अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जियो क्वाइन को लेकर। दोस्तों जियो को तो हम सब यहाँ पर जानते ही हैं, यहाँ पर पिछले साल आया था, यहाँ पर काफ़ी सारी फ्री सर्विसेज दी, उसके बाद यहाँ पर जो भी टेलीकॉम कंपनीज के प्लान थे यहाँ पर सब चेंज हो गए, बहुत नीचे आ गए, काफ़ी सस्ते प्लान सब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सब जो भी किया धरा था वो जियो का था, और अब दोस्तों एक नया चांस मिलने वाला है, वो ये है कि यहाँ पर रिलायंस जियो लेकर आने वाला है खुद की क्रिप्टो करेंसी जियो क्वाइन। दोस्तों यहाँ पर इसको जो हैंडल करने वाले हैं वो है मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी। यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि यहाँ पर रिलायंस जियो प्लान कर रहा है 50 मेंबर्स की ऐसी टीम जो यहाँ पर काम करेगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी दूसरी एप्लीकेशंस भी होती हैं उनको भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर रिलायंस जियो प्लान करने वाला है IoT में, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, और यहाँ पर ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज करने वाला है। उनके पर मानना है कि अगर जो 2017 था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, दोस्तों पर कहने वाली बात नहीं है कि अगर बिटकॉइन ने 20 गुने की उछाल ली थी, 20 गुने से भी ज़्यादा की उछाल ली थी, 50,000 से यहाँ पर पहुँचा कुछ 10-11 लाख के आसपास, जो ऑल टाइम हाई रेट था वो था 14 लाख के आसपास। और दोस्तों इस चीज़ ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा, और दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट भी है इंडिया की वो भी यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर सामने उठ कर आई। दोस्तों मज़े की बात यह है कि यहाँ पर रिलायंस जियो की जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी बात यहाँ पर तब उठकर सामने आ रही है जब यहाँ पर जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसका फेवर नहीं कर रही है। अरुण जेटली जी भी यहाँ पर बोल चुके हैं, जो यहाँ पर RBI है वो भी यहाँ पर कई बार कह चुका है, और उस टाइम पर यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी की बात उठकर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरी सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट आपको यहाँ पर आगाह कर रही है बाहरी क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर जब रिलायंस जियो अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगा तो क्या होने वाला है वो एक्चुअल में देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी खुद की भी क्रिप्टो करेंसी प्लान कर रहा था, लेकिन दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद क्या होगा ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दोस्तों जो भी अपडेट्स होंगे इस बारे में आपको देता रहूँगा, तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि जो भी मेरे अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।